टोक्यो ओलंपिक्स का 14वां दिन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भारतवासियों का 41 साल का लंबा इंतजार खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम की इस जीत में हर कोई अपनी खुशी ढूंढ रहा है। भारतीय हॉकी टीम का ऐसा प्रदर्शन ये दिखाता है कि हो ना हो, भारतीयों ने एक बार फिर हॉकी में अपना परचम लहरा दिया है। इस जीत के बाद खिलाड़ियों के घर परिवार में तो खुशी की लहर है ही, लेकिन देश के अन्य राज्यों में भी लोग इस जीत को धूमधाम से मना रहे हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि पूरे 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम अपना परचम ओलंपिक्स के मैदान में लहरा कर आई है और इस जीत की गूंज इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय हॉकी टीम के लिए ब्रॉन्ज का ये मुकाबला कोई आम बात नहीं थी। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ ये मुकाबला करीबन 9 बजे तक खत्म हुआ और उसके बाद भारत के खाते में एक और मेडल जुड़ गया। बात की जाए मुकाबले की तो वह भी रोमांचक रहा। जर्मनी और भारतीय टीम दोनों ही अपना प्रदर्शन बेहतर देते हुए नजर आ रहे थे। दोनों ही टीम बराबरी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन भारत ने कब जर्मनी को पछाड़ दिया ये जर्मनी को खुद भी पता नहीं चला। आपको बता दें कि भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से शिकस्त दी और कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय हॉकी टीम के इस जोश के आगे जर्मनी भी नहीं टिक पाई, क्योंकि इस बार हॉकी टीम को इतिहास रचना था और दुनिया के अलग अलग देशों को ये दिखाना था कि भारतीय हॉकी टीम में अभी भी वही जुनून और वही जज्बा है जो 41 साल पहले तक था। भारतीय हॉकी टीम की इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक लम्हे के लिए एक नहीं बल्कि 2 ट्वीट किए कि ऐतिहासिक, एक दिन जो हर भारतीय को याद रहेगा। कांस्य पदक जीतने के लिए पुरुष हॉकी टीम को बधाई, भारत को आप पर गर्व है। तो वहीं दूसरे ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने लिखा, प्रफुल्लित भारत, प्रेरित भारत, गर्वित भारत। टोक्यो में हॉकी टीम की शानदार जीत पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा भारत है। हॉकी टीम को फिर से ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर हॉकी टीम का मनोबल बढ़ाया। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ताज़ा तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी के साथ।